नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 एंट्रेंस एग्जाम का सारा प्रोसेस आपको इसके साथ कट ऑफ, इसके साथ आपको कौन कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, सारा का सारा आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप भी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका भी सपना है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो पूरी वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा क्या क्या टॉपिक रहेगा, टुडे टॉपिक्स, आज का टॉपिक क्या क्या रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा सबसे पहले कि ऑनलाइन का अप्लाई डेट कब आएगा, आप कब से अप्लाई कर सकते हैं यूजी के लिए। यूजी कहने का मतलब अंडर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन कहने का मतलब इसमें होता है बीए, इसमें होता है बीएससी, इसमें होता है बीकॉम प्लस वोकेशनल कोर्सेज, जिसमें बीएमसी, बीबीए, बीसीए, ये सारा का सारा आपका आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कब से आप ऑनलाइन, अभी ये बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे होंगे 12 पास आउट होंगे या 12 अभी तक पास नहीं किए होंगे, वे सारे स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। कोई बाद में देखेंगे, कोई आज देखेंगे, कोई कल देखेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई डेट हम लोग बताएंगे आपको, फिर बताएंगे एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या करना है, क्योंकि जिसका फॉर्म गलती होता है ना, उनका सारा रिजल्ट गलत हो जाता है। थर्ड नंबर में बात करेंगे कॉलेज की डिटेल्स के बारे में, कॉलेज का क्या क्या डिटेल्स है, कौन कौन से कोर्स पे पढ़ाई होती है। फोर्थ कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। चौथा टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा कट ऑफ के बारे में। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले मेरे से आप लोग मिल लीजिए, मीट मी, मेरे से मिलना है आपको। यदि यहाँ पर भी मिल लीजिए तो मिलना है, फिर भी मैं आपसे मिल भी सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कृष्णा कांत सिंह, बीएन कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी, 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, पीयू, बीयू, एयू, बीएचयू एंट्रेंस। फेसबुक आईडी कृष्णा कांत सिंह, इंस्टाग्राम आईडी कृष्णा कांत 9076, यहाँ पर आप मुझसे आकर कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। हमारी कोर्सेज के बारे में हम आपको बात करें कि हम जो पटना यूनिवर्सिटी बीएयू, बीएचयू और पीएयू का जो कोर्स लाए हैं उसमें क्या क्या आपको मिलेगा। तो हमारी जो फैसिलिटीज रहेगी वो डेली लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज वीडियोज आपको मिलेगा, 500 प्लस आपको पीडीएफ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा, टॉपर्स से टॉक करवाएंगे, फ्री रिटर्न टेस्ट आपको देंगे, आपका जो फी रहेगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा टेस्ट में, यदि आप टॉप 3 में आते हैं तो। इन सभी का जो है चार्ज है ओनली 350 फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए 350 हम लोग चार्ज करते हैं। आपको पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट करने से पहले इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे क्वायरी भी कर सकते हैं, या फोन पे आपको इस नंबर पे करना है, गूगल पे आपको इस नंबर पे करना है। ये हमारी रही कोर्सेज की बातें, चलिए वीडियो की बातें शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपका ऑनलाइन अप्लाई डेट कब आने वाला है, कब से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ऑनलाइन अप्लाई जो है वो आपका मई फर्स्ट ऑफ वीक में आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ मई में आएगा, जिसमें मई, ये देखिए मई है, मई फर्स्ट वीक में आप ऑनलाइन अपना अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ एंट्रेंस कब होगा, तो जैसे ही मई, तो पूरा मई आपको क्या होगा, पूरा मई और कुछ एक सप्ताह जून का, उसके बाद मिड ऑफ द जून क्या होगा, मिड ऑफ द जून या लास्ट जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम ले लिया जाएगा। अब बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि भैया एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, तो ये एंट्रेंस एग्जाम होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि आप बीए करना चाहते हैं, यदि आप बीएससी करना चाहते हैं, यदि यदि आप बीकॉम करना चाहते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी अपनी एक टेस्ट लेती है, क्योंकि ये बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत लोग अप्लाई करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी अपनी टेस्ट लेती है। उस टेस्ट में यदि आप कट ऑफ में आते हो, जैसे कोई 90 नंबर लाया तो हाईएस्ट कट ऑफ 90 नंबर आया, अब 90 नंबर वाला का पहले होगा, फिर कोई लाया 89 तो 89 वाला का बाद में, ऐसे ऐसे 3-4 हज़ार सीटें होती है, 3200 सीटें हैं, तो 3200 तक लड़कों को लिया जाएगा। उसके बाद जिनका बाय द वे 40 नंबर एंट्रेंस में आता है उनका एडमिशन नहीं होता है, जिनका 45 नंबर आता है उनका एडमिशन नहीं होगा, तो 50 नंबर जिन उनका एडमिशन नहीं होगा, इस टाइप से आपके रहते हैं। नेक्स्ट समझिए एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, जुलाई में आपका, जून में एग्जाम होगा, जून लास्ट वीक ऑफ में। अब देखिए एडमिशन का क्या प्रोसेस है,
एडमिशन का क्या प्रोसेस है वो हम आपको बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यही समझ जाना है। तो पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन का जो प्रोसेस है उसमें आपको क्या करना है, ऑफिशियल साइट पे सबसे पहले आपको जाना है, फिर आपको फिल द एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने में सक्षम नहीं है तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, वही जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया 7370840504, मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर दूंगा और अपलोड डॉक्यूमेंट सही सही तरीके से आपको डॉक्यूमेंट, नहीं तो आपका 1100 रुपया भी लग जाएगा और आपका फॉर्म जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 1100 रुपया भी लगेगा। प्रीव्यू फॉर्म एंड एडिट, यदि अपलोड करने के बाद आप पहले फॉर्म को देख लीजिएगा, उसको एडिट अच्छे से कर लीजिएगा, कहीं गलती है, गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद अप्लीकेशन फी कर देना है आपको 1100 रुपये जमा, 1100 रुपये अप्लीकेशन फी आप यदि जमा कर दोगे उसके बाद आपका हो जाएगा। यदि आप गलती करोगे तो आपको 1100 चला भी जाएगा और आपका जो सपना है पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने का वो आपका सपना खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोर्स अवेलेबल। अब आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से कोर्स पे हम लोग को एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले कोर्स अवेलेबल की बात करें तो यहाँ पे सारी कोर्सेज के बारे में आपको बताया, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स कर सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइकोलॉजी, एस्थेटिक्स, हिंदी, होम साइंस, संस्कृत, उर्दू, फिलोसफी, पर्शियन, म्यूजिक, मैथिली, एंशियंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी। अब देखिए इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन सभी का जो है कट ऑफ कम से कम 70 जाता है, 70 इंट्रेंस में, यदि 60 तो मिनिमम जाता ही है, 60+ आपके इंट्रेंस में आपके जाते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और यदि नॉर्मल, यदि आप 50+ कट ऑफ में लाते हो, 50+ लाते हो, 50+ यदि आप कट ऑफ में लाते हो तो आपका नो डाउट 100% आपका हो जाएगा। पर अच्छे सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेने के लिए थोड़ा सा किल्लत होगा, थोड़ा सा आपको अच्छे सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए किल्लत होगा 50+ यदि आप लाते हो तो 50+। अब देखिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कोर्स अवेलेबल इन बीएससी, कोर्स बीएससी में कौन कौन से कोर्स आपके अवेलेबल हैं। तो ये आ गया, बीएससी में आप फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हो, बीएससी में केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, बीएससी में बॉटनी कर सकते हो, मैथमेटिक्स ऑनर्स, जियोलॉजी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, एस्थेटिक्स कर सकते हो, इन्वायरमेंटल साइंस कर सकते हो, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। ये सब जो कोर्सेस है वो आप बीएससी में कर सकते हो। इसमें फिजिक्स, इसमें भी देखिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पटना साइंस, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी का, पटना, ये जो पटना यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज कौन से हैं, पटना यूनिवर्सिटी में मात्र 8 कॉलेज आपके आते हैं, तो 8 कॉलेज में सबसे टॉप कॉलेज कौन है, कौन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, किसका कट ऑफ हाई जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि कोर्स अवेलेबल इन बीकॉम, बीकॉम में कौन कौन से कोर्स आपके अवेलेबल होते हैं। तो बीकॉम में आप रेगुलर कर सकते हैं और बीकॉम में आप सेल्फ फाइनेंस कर सकते हैं। रेगुलर का कट ऑफ जो जाता है वो, इसमें कॉलेज 2 कॉलेज करते हैं, इसमें एक वाणिज्य महाविद्यालय है, इसमें 60+ आपको चाहिए ही चाहिए। सेल्फ फाइनेंस में यदि 50+ है तो आपका इसमें हो जाएगा, इसका कट ऑफ वाणिज्य महाविद्यालय का बहुत ज़्यादा जाता है। तो ही मैं आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपका कौन कौन से कोर्स है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन कितने कट ऑफ जाते हैं, किस कॉलेज का, किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है, तो वो मैं बताऊंगा। इसलिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, हमारी कोर्स आपको लेना है तो मैसेज करेंगे, आप कोर्स ले लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।